ये यथा माम प्रवदन्ते ताम सदैव भजामि हम। जो मेरा जितना भजन करता है मैं भी उसको उतना ही भजता हूँ, ये मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है। लेकिन से प्रतिज्ञा भंग होइलो गोपीर भजने जहां ते प्रमाण श्री कृष्ण मुख हो जाए। वो प्रतिज्ञा भगवान की कि जो मेरा जितना भजन करता मैं भी उसको ही उतना ही परसेंटेज उतना ही प्रतिशत भजन करता हूँ, ये प्रतिज्ञा भगवान की भंग हो गई। कहाँ? गोपियों के भजन में श्री राधा जी के प्रेम के आगे। उसका प्रमाण क्या है? कोई पूछे भैया आप इतनी सात बात बोल रहे हो, प्रमाण क्या है? उसे प्रमाण भगवान के अपने मुख से निकली हुई वाणी है, जो भागवत जी में हाथ जोड़कर श्री कृष्ण राधा जी से कहते हैं, मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन एक ऐसा बल है क्या राधिका ना पारे हम निर्वज समुद्रम विभुति। मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता लेकिन पार पाना चाहता हूँ, इसलिए क्या करूं? ये कृष्ण स्वरूप से, इस श्याम रंग से, इस काले वर्ण से मैं वो नहीं चुका पाऊंगा, उसमें भी मुझको आपकी सहायता चाहिए। भैया ये तो वही बात हो गई। मैं संजय प्रभु से बोला 10,000 पे उधार दो, संजय प्रभु ने बोल दिया ले लो, जब होगा दे देना। एक साल के बाद आता हूँ, प्रभु जी एक 10,000 पे देना। बोलते क्यों? आपका उधार चुकाना है। ये कैसी बात रहेगी? ये वही हाल श्री कृष्ण का है। राधा जी से उनकी भाव और कांति को मांग रहे हैं, बोलते अधिक नहीं। गुरु जी कहते थे 48 साल के लिए उसको अपने भाव और कांति दे दो, उधार दे दो। अच्छा उधार दे दो, बोरो उधार दे दो, क्या करोगे? वो चुका दूंगा। क्या चुका पाए? कुछ नहीं चुका पाए। उस प्रेम के आगे मस्तक को चुका दिया। वो प्रेम चुका नहीं पाए, वो महिमा प्रकाशित करने के लिए एकमात्र श्री चैतन्य देव का देवादि देव कौन से? गौरचंद्र। ये सारे देवों के देव हैं, क्योंकि सारे देवों के देव क्यों? क्योंकि सभी अवतार कुछ न कुछ कार्य करने के लिए आए और कार्य करके चले गए। वरा भगवान आए, हिरण्याक्ष को मार दिया चले गए। नरसिंह भगवान आए, हिरण्यकश्यप को मार दिया चले गए। परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रिय को पृथ्वी से भीम किया। श्री राम जी ने असुरों को दलन किया और समस्त लीला को किया। श्री कृष्ण भी लीला विनोद तो किया, असुरों को भी दलन किया। लेकिन हम जैसे लोगों को उद्धार करने वाले जो कलयुग के पतित जो जीव हैं, श्रद्धावान जन है, भक्ति अधिकारी, मात्र श्रद्धा देखने से ही कि इसमें थोड़ी सी भी श्रद्धा है और मेरा भजन करना चाहता है, अपना हृदय खोल दिया। जिस हृदय में वो प्रेम का भंडार राधा जी से जो उधार किया हुआ है, उस प्रेम को दान देने के लिए महावदन न्याय बन गए। वो जो श्री कृष्ण जो दानी तो हैं, संत अवतार बहुआ पंकज नावस सर्वत्र भद्रा कृष्ण वदन्याय कोसलतोपि प्रेम तो भवती। लघु भागवतमृतम में रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कृष्ण वदन्याय है, दानी है। वदन्याय का मतलब होता है दानी, और प्रेम दान देते हैं। लेकिन किसको दान देते हैं? बोलते वो लताओं को, पताओं को, जो पहले से ही निकुंज में, कुंज में, निवृत्त निकुंज में पहले से स्थापित हो चुकी हैं, वो लताओं को तो प्रेम देते हैं। हम जैसे राजतों को प्रेम देंगे? नहीं भैया, वहाँ बहुत विचार करते हैं, पहले भजन करो, पहले साधन करो, साधु संग करो, तब आना हमारे पास, तो हमारा क्या होगा? इसलिए देवादि देव गौर चंद्र, देवों के भी देव, अवतार सार गौर अवतार, सारे अवतारों का जो सार है वो श्री गौर अवतार है, जो इतने बड़े हैं, इतने बड़े राधा जी के भाव कांति से युक्त हैं, इसलिए परम करुणामय राधा जी और रस राज श्री कृष्ण का जो सम्मिलित स्वरूप है वो हम जैसे जीवों के लिए इतनी ऊंची स्थिति से उस प्रेम का जो आस्वादन कर रहे हैं, उस प्रेम का स्वादन करके स्वयं भी भाव विभोर हो रहे हैं और चाहते हैं कि कलयुग के सभी जीव पशु पक्षी हो, पशु पक्षी जुड़े पाषा न बिदरे, पशु पक्षी भी क्यों ना हो, कैसे भी कोई वृक्ष भी क्यों ना हो, सब जीव क्यों ना हो, सबको उस प्रेम की प्राप्ति हो। इसलिए नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय, महावदन्याय होकर उस प्रेम को पहले धारण किया और फिर उस प्रेम को वितरण किया। और ये प्रेम ऐसी वस्तु जितना वितरण करे वो उतना ही बढ़ता जाए, उतना ही बढ़ता जाए। इसलिए इस स्थान पर हम आए श्री सूर्यदास सर्कल जी के चरणों में प्रणाम करते हैं।
ये साक्षात नित्य प्रभु के ही परिकर है। इनकी कृपा के बिना नित्यम रूप की कृपा नहीं होगी और नित्यम रूप की कृपा के बिना महाप्रभु की कृपा कदापि संभव नहीं है। इसलिए गौर परिकर का आश्रय लिए बिना ये कभी भी गौर कृपा उपलब्ध नहीं हो सकती। गौर परिकर ही ऐसे हैं जो हमको श्री नित्यानंद श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में हमको समर्पित कर सकते हैं। इसलिए उनके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं और श्री गौरीदास जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, जो हम लोगों के लिए, हम पतितों के लिए अपने इष्ट के चरणों में प्रार्थना करते हैं, पर दुखे दुखी स्वभाव में विभावित होकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। गौरीदास करत आज सर्व जीव उद्धार। गौरीदास प्रार्थना कर रहे हैं सारे जीवों का उद्धार हो जाए। सार हे भगवान, हे मेरे महाप्रभु, हे मेरे इष्ट, सारे जीवों को इस प्रेम की प्राप्ति हो जाए, सारे जीवों को प्रेम की प्राप्ति हो जाए। इतना उदार चरित्र और किसका हो सकता है। महाप्रभु तो महावदन्याय है और उनके जो परिकर है वो तो महा महा महावदन्याय है। उन परिकरों में, इन समस्त परिकरों के जो प्रतिनिधि वे हमारे श्री गुरुदेव। महाप्रभु के परिकरों को तो हमने देखा नहीं, लेकिन गुरु पादपद्म में गुरु जी को तो देखा, वे साक्षात महाप्रभु के परिकर हैं। और वे तो भक्ति के अधिकार को वितरण करते फिरते हैं। इस भक्ति को अधिकार को प्राप्त करो और इस प्रेम को प्राप्ति करो, यही गुरु जी का एकमात्र हमारे प्रति विशेष एक कृपा रही। आज उनके प्रभाव से, उनकी कृपा से आज हम श्री गौर मंडल को स्पर्श कर रहे हैं, श्री महाप्रभु जी का नित्य प्रभु का दर्शन कर रहे हैं और इनकी कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। इसका सारा श्रेय श्री गुरु पादपद्म के चरणों में जाता है। गौर प्रेमानंद।